नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष मंच के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र रावत। आप सभी जानते हैं कि हमने नव वर्ष 2017 से ज्योतिष मंच कार्यक्रम की नींव रखी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आप सभी को बताते हैं ज्योतिष के विषय के बारे में। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि अगर आपके पास भी अपने क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसा ज्ञान है जिसको आप बांटना चाहते हैं तो आप आमंत्रित हैं। इस मंच के ऊपर आप आ सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं, हमारे श्रोताओं के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, परम पूजनीय श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर एच एस रावत जी के जो प्रयास पिछले 17 सालों से लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में चले आ रहे हैं, उन्होंने जो 17 साल पहले 2000 के अंदर आस्था चैनल पर शुरुआत करी ज्योतिष सीखे कार्यक्रम की, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने देश विदेशों में जाकर के शहर शहर भ्रमण करके ज्योतिष के क्षेत्र के अंदर एक क्रांति पैदा करी। आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसे गुरुदेव के शिष्य हैं। हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने उनसे ज्योतिष को सीखा है और आज हम उनके ज्योतिष के ज्ञान का प्रचार प्रसार देश विदेश में शहर शहर में उनके आशीर्वाद से कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के अंदर हम ज्योतिष का अध्ययन कराते हैं। मैं मानवेंद्र रावत आपसे चैनल के माध्यम से तो चर्चा करता ही हूं, आपके राशिफल के बारे में बताता ही हूं, पर आज मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ज्योतिष मंच का ये जो कार्यक्रम है इसको साझा करने का, और मैं साथ में अपने 2 छात्रों को यहां पर मैंने उनको निमंत्रण दिया कि आप आए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल गुरुदेव, हम बिल्कुल आएंगे। आकर के हम भी सभी को बताना चाहते हैं ज्योतिष के बारे में कि आखिर ज्योतिष क्या है, किस प्रकार से वर्क करती है। तो हमारे 2 छात्र यहाँ पर पुष्पा जी और रमेश जी हमारे इस मंच पर हमारे साथ हैं। आज हम इनसे जानेंगे पहले ज्योतिष सीखने से पहले और ज्योतिष सीखने के बाद इन्होंने क्या महसूस किया, इन्होंने क्या परिवर्तन महसूस किया अपने जीवन के अंदर, और आखिर ज्योतिष को सीखने की जिज्ञासा इनके मन के अंदर कैसे उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि ये हमारे विद्यालय की होनहार छात्र पुष्पा जी हैं। पुष्पा जी नमस्कार। और हमारे साथ में रमेश जी, ये भी हमारे विद्यालय के बहुत होनहार छात्र हैं, बहुत लगन के साथ में बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने सीखा है और मैंने स्वयं इनको सिखाया है। अभी आगे भी बैच शुरू हो रहा है, आप एडमिशन ले सकते हैं, नए बैच के अंदर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो पुष्पा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ज्योतिष को सीखने की जिज्ञासा आपके मन में कैसे पैदा हुई, आपको ऐसा क्या लगा कि मेरे को ज्योतिष सीखनी चाहिए, ऐसा क्या हुआ आपके साथ में, आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो ज्योतिष मंच के सभी दर्शकों को, देश विदेश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पूजनीय श्रद्धे एच एस रावत जी, जिन्होंने ये संस्थान ज्योतिष विद्यालय शुरू किया है, उनको कोटि कोटि प्रणाम, और हमारे सर जिन्होंने हमें अभी शिक्षा दी है उनको भी नमन। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद आपको। अभी मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहती हूँ कि ज्योतिष के विषय में जितनी भ्रांतियां भी इस देश में, इस संसार में फैली हुई है, उनको दूर करने का एक सबसे बड़ा माध्यम जो डॉक्टर एच एस रावत ने अपना ये विद्यालय खोल के किया है, उसके लिए भी उनको बहुत 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 मुबारकबाद देते हैं हम लोग। और ये एक चीज जो हम सभी जानते हैं कि इस संसार में सभी लोग किसी ना किसी वजह से बहुत ही परेशान रहते हैं और सभी चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का किसी ना किसी तरीके से हल हो जाए, और किसी ना किसी माध्यम से वो लोग ज्योतिष के पास, पंडितों के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश किया करते थे, मगर और वो सब हमारे साथ भी होता था और हमने भी कोशिश की थी बहुत सारे ज्योतिषियों के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, मगर ऐसा संभव नहीं हो पाया। मगर बहुत टाइम पहले टीवी चैनल पे एक बार मैंने डॉक्टर एच एस रावत का प्रोग्राम देखा, उसी प्रोग्राम के माध्यम से मुझे कुछ ऐसे लगने लगा कि जैसे मतलब शायद मुझे यहीं से ही मेरे को अपनी मंजिल मिलेगी, मुझे से यहीं से ही अपना समाधान मिल पाएगा। आपको मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा पुष्पा जी, आपको ऐसा क्यों लगा गुरुदेव का कार्यक्रम देखने के बाद, ज्योतिष सीखे कार्यक्रम देखने के बाद, कि आपको यहाँ से अपनी जो समस्याएं हैं उनका निवारण मिल पाएगा, आपको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ से अगर मैं ज्योतिष सीखती हूँ
तो मेरे को कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा क्या आपको महसूस हुआ कार्यक्रम देखते हुए? जिस प्रकार से गुरुजी हमें समझाते थे हर ग्रह के बारे में, हर किसी भी परेशानी, कौन सा ग्रह उसको दूर कर सकता है और किस तरीके से उस पे उसको फॉलो करना चाहिए, उसी लॉजिक को देखते हुए मुझे लगा कि ये इस हर चीज को जिस लॉजिक के साथ समझाते हैं तो वो हमें बहुत आसानी से समझ में आता था और हमें लगता था कि वाकई ये लॉजिक जो ये बता रहे हैं वो हमारी पूरी लाइफ में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर बिल्कुल ही फिट बैठता था। इसी कारण ही मैं बढ़ती गई बहुत सालों से देखते देखते। जब एक बार हमने यही देखा कि गुरु जी ने एक फ्री क्लासेस स्टार्ट की हैं तो हमें भी जिज्ञासा तो पहले से थी, जानना भी चाहते थे ज्योतिष के बारे में, तो बहुत 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 ही अच्छा अवसर इन्होंने दिया था, तो उसी अवसर का लाभ उठाते हुए हमने इस विद्यालय में एडमिशन लिया था। एडमिशन आपने लिया और आकर के आपने ज्योतिष को सीखा, तो मैंने आपको ज्योतिष सिखाई और मैंने ज्योतिष का ज्ञान आपको देते हुए, क्लासेस लेते हुए मैंने देखा कि आप काफी ज्यादा एक्टिव, हमारे सभी विद्यार्थियों के अंदर काफी एक्टिव आप रही हैं और काफी लॉजिकल क्वेश्चन आप सभी से करती हैं और मुझसे भी करती हैं कि अगर ऐसा है तो इसके पीछे ऐसा है तो क्यों है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के अंदर सीखने का जो आपका उद्देश्य है, कि आखिर आपने कहा कि मैं इसलिए सीखना चाहती हूँ गुरुजी कि मेरे को अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे ये थ्योरी काम कर रही है, ये तथ्य काम कर रहा है, तो क्या आपको ऐसा मिला? बिल्कुल, बहुत मिला। यहाँ पे सब कुछ, कुछ भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो पूरे लॉजिक के साथ समझाया जाता है और इतने अच्छे से समझ में आता है कि उसको भूल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपने बोला कि बहुत तथ्य के साथ समझाया जाता है, लॉजिक्स के साथ समझाया जाता है और आपने देखा कि इन क्लासेस को मैं लेने वाला हूं तो आप लोग आए, आकर के आपने एडमिशन लिया। आप कोई ऐसा घटनाक्रम, कोई ऐसा इंसिडेंट, और अब आप जब ज्योतिष सीख गई हैं तो सीखने के बाद आप कैसा महसूस करती हैं और सीखने से पहले आप कैसा महसूस करती थी? सीखने से पहले तो सिर्फ लगता था कि ज्योतिष विज्ञान तो है, पर क्योंकि उनकी बारीकियों के बारे में हमें पता नहीं था इसीलिए हम इतना ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। यही था कि इसको सीखने के बाद हमें ये पता चला कि कितना कितना डीप साइंस है ये, इसको जितना भी पढ़ते हैं उतना ज्यादा हमें नॉलेज, जितनी भी गेन करते हैं उसको उसके डीप जाने की इच्छा होती है। जब हमने यहाँ पे ये पढ़ा, यहाँ पढ़ने के बाद तो ऐसा है कि तो जितनी क्लासेस अब तक हमने ली हैं उसके बाद उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यही कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, यही क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और जितना भी हो सकेगा हम भी इस ज्योतिष का ज्ञान आपने ज्योतिष की क्लासेज अभी यहाँ से ली हैं और आप चाहती हैं। दर्शकों ये बात पॉइंट करने की है, आप भी देखें इस चीज को कि इनकी अभी जिज्ञासा है कि ये आगे भी इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं अभी नया बैच शुरू करने वाला हूँ फरवरी के महीने में एक नया, और इनके मन में ये है कि हम आगे भी कंटिन्यू करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि ज्योतिष वाकई एक विज्ञान है और वाकई इसके अंदर सच्चाई है, तो इसी सच्चाई को और ज्योतिष के विज्ञान को ध्यान में रखते हुए आप हमें इन 9 प्लैनेट्स के अंदर सूर्य ग्रह के बारे में कुछ बताएं कि आखिर सूर्य का नेचर क्या है, सूर्य किस प्रकार से वर्क करता है। तो आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं और हम बोल सकते हैं ज्योतिषाचार्य पुष्पा जी, आप हमारे दर्शकों के सामने सूर्य ग्रह के बारे में कुछ अपने विचार रखें और बताएं कि सूर्य ये होता है और ऐसे काम करता है, इसका ये नेचर है। यूं तो सभी जानते हैं कि सूर्य प्रकाश देने वाला सबसे बड़ा ग्रह है और वो इन्हीं सभी प्लैनेट्स में एक राजा है। सूर्य का काम है सभी को प्रकाश देना, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य की ही रोशनी से आगे बढ़ते हैं, सभी को रोशनी उन्हीं से ही मिलती है। और सूर्य पिता का कारक होता है, हड्डियों का कारक होता है। आपको जो और पता है सूर्य के बारे में बताइए। सूर्य पिता का कारक है, इससे वो हड्डियों का कारक है, आत्मा का कारक है, प्रकाश का कारक है। हमारी बॉडी में उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पेट में कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। सूर्य अगर कुंडली के अंदर बलवान है तो व्यक्ति का जो नेचर है वो किस प्रकार का होगा? वो एक राजा की तरह काम करता है, उसकी नेचर होती है एक डोमिनेटिंग नेचर होती है, ईगोइस्टिक होता है वो, क्योंकि वो सब पे रूल करना चाहता है, वो अपना कमांड करता है। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं, आपको ऐसा मैसेज देना चाहती हैं कि जिससे
वो लोग सुन करके उनको भी लगे कि हाँ वाकई जो आपने एक मैसेज दिया है वो फॉलो करने लायक है, आप ऐसा कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूंगी। क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से मैंने ये ज्योतिष सीख के अपनी काफी जिज्ञासाओं को पूर्ण किया है, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि जिसको भी कि ज्योतिष के बारे में या अपने बारे में कुछ जानना है वो जरूर इस यहाँ पे आकर विद्यालय में एडमिशन लेकर अपनी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हैं। यूं तो बहुत से ज्योतिषी होंगे, बहुत सिखाते भी होंगे, मगर मैंने भी बहुत जगह ट्राई किया था। ट्राई करने के बाद जब मैंने यहाँ आकर देखा है तो यहाँ आने के बाद मुझे ज्योतिष के ज्ञान में जो मेरी वृद्धि हुई है उससे मुझे अंदर से बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुई है। बहुत बढ़िया। मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग भी, अगर आप जिज्ञासु हैं या नहीं है, आप एक बार इस विद्यालय में आकर एडमिशन लेकर अवश्य देखिए, आप खुद ही जान जाएंगे कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है और आप कितने लोगों का भला कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुष्पा जी कि आप हमारे इस मंच पर आई, आकर के आपने अपने विचार रखे, आपने बताया कि ज्योतिषी तो बहुत है, एस्ट्रोलॉजी तो विज्ञान है, पर जैसे विज्ञान में हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, ऐसी एस्ट्रोलॉजी भी एक विज्ञान है और इसमें भी होने वाली हर घटना के पीछे एक लॉजिक होता है। रमेश जी मैं आपके ऊपर आना चाहूंगा, आपने भी हमारे विद्यालय से साथ में ही दोनों ने कोर्स किया है, तो आप ज्योतिष सीखने के लिए आए हैं, अभी आप क्या करते हैं और आपको ज्योतिष सीखने का ये जो इंटरेस्ट है ये शुरू से ही है, ये बाद में पैदा हुआ, या आपने कहीं ज्योतिषियों के चक्कर काटने के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरे को ये ज्ञान सीखना है, आखिर इसको सीखने के पीछे का कारण और अभी फिलहाल आप क्या करते हैं हमारे दर्शकों को ये बताएं। आप सभी दर्शकों को नमस्कार और आदरणीय एच एस रावत जी गुरुदेव जी को कोटि कोटि नमन, और हमारे को ज्ञान देने वाले रास्ता दिखाने वाले मानेंद्र गुरु जी को भी कोटि कोटि नमन है। खुश रहिए, रास्ता दिखा है। दोस्तों मैंने भी बहुत ज्योतिषियों के बारे में सुना देखा, मुझे कुछ पीछे कुछ दिनों में परेशानी हुई तो मैं भी बहुत से ज्योतिषियों के पास गया, लेकिन मुझे वो मंजिल नहीं मिली, मुझे ना वो संतुष्टि हुई। एक के पास जाते हैं वो कहते हैं कि ग्रह तुम्हारे ऐसे चल रहे हैं, दूसरे के पास जाते हैं तो वो कहते हैं उनका मतभेद, दोनों के जो है ना अलग अलग विचार सामने आए। तो हम जो है ये समझिए तो ज्योतिष है जरूर, लेकिन ये लोग जो है अधकुचला ज्ञान हमें दे रहे। मैं कई ज्योतिषियों के पास, कई जो शिक्षा भी देते हैं पढ़ाते भी हैं उनके पास भी गया, लेकिन वो चीज हमें मुझे नहीं मिल पाई जो मैं चाह रहा था। मैं हर चीज के पीछे क्यों चाहता था कि ये ऐसा है तो क्यों है। किसी ज्योतिषियों के पास गए, उन्होंने कहा तुम्हारे पर राहु की दशा है, शनि की दशा है, तो मैंने ये कहा भाई ये क्यों है, क्यों होता है ये, लेकिन उनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। एक तो जगह विद्यालयों में भी गए लेकिन वहां भी हमें इस चीज की संतुष्टि नहीं हुई, वो सिर्फ एक दिखावा और जो है असमंजस वाली स्थिति। मैंने पहले गुरु जी की जो है कसराव जी की टीवी पे भी देखा, कई दिनों से मेरी लालसा थी। एक बार मैंने देखा कि भाई इनकी जो है फ्री क्लासेस चल रही है, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे जिज्ञासु भी था मैं और मैं चाहता था कि ऐसा कोई मिले जो मेरी जिज्ञासा को शांत करे और क्यों का जवाब दे दे मुझे। तो मैंने यहाँ का एडमिशन लिया। दोस्तों जब से हमने क्लास ज्वाइन की तब से हमारे ज्ञान चक्षु खुलते ही चले गए। नहीं हमें ये नहीं पता था राशि क्या है, ग्रह क्या है, जैसे ज्योतिषियों ने बता दिया वैसे हम जो है तसल्ली तो नहीं होती थी पर मानना पड़ता था होगा। लेकिन यहाँ आके हमने आदरणीय मानेंद्र जी ने हमें ऐसी और समझाने का तरीका इनका ऐसा है कि आदमी जो है जो आदमी 10 दिन में सीखने वाला होता है उसको 4 दिन में जो है राह मिल जाती है और ऐसा दिमाग में बैठता है फिर भूलता नहीं है। हम भी अब जो है देख के बता देते हैं, ये कुछ हष्ट पुष्ट हो रहा है तो इसमें सूर्य की जो है वो है, आवाज भारीपन है, दमदार है, तो हम ये कहेंगे इसमें मंगल का। हम आदमी अब हमारे अंदर ये जिज्ञासा होगी कि ये आदमी जो है तो इसमें इस तरह की जो है इस ग्रह का वो है। तो ठीक है रमेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली और मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कह सकते हैं या मैं ये कह सकता हूं कि अब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या उससे आपकी बहस हो जाती है, आपका उससे तर्क हो रहा है, तो मैं ये मान सकता हूं कि जल्दी से कोई अब आपके ब्रेन को वॉश नहीं कर सकता, आपको जल्दी से कोई एक तरीके से भ्रमित नहीं कर सकता,
आपको इतनी जानकारी तो हो गई होगी मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि हर चीज के पीछे का क्यों, क्यों जो दर्शक होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये क्यों शब्द का जो रहस्य होता है बहुत जबरदस्त होता है, इसको जानने वाला और इसको बताने वाला बहुत जल्दी से मिलता नहीं है, क्योंकि क्यों का मतलब हो गया वाई, रीजन, इसके पीछे का कारण, विद साइंटिफिक रीजन, विद वैज्ञानिक आधार पर बताने वाला रीजन। दोस्तों मेरा आज मन है कुछ खाने का, मेरा आज कुछ मन है कुछ नया करने का, और कुछ ही पल बाद वो मेरा मन बदल जाता है और मेरा मन करता है कि नहीं अब मैं इस कार्य को नहीं करना चाहता। आखिर क्या हुआ इन बिटवीन, आखिर क्या ऐसे ग्रहों की चाल बदली कि मेरा मन का जो भ्रमण है वो एकदम से बदल गया। यही है विचारधारा, यही हमें सोच मिलती है कि आखिर क्या हुआ इन बिटवीन। दोस्तों यही है प्लैनेट्स का प्रभाव, जैसा इन्होंने बताया कि ये विचार, इसका मतलब तो ज्योतिष विचार का खेल हुआ, विचारधारा का खेल, विचारधारा का खेल, एकदम विचारधारा का खेल। ठीक है, आपने हमारे यहाँ से ज्योतिष सीख लिया है तो आप वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें अध्ययन करना पड़ता है, कुंडलियों को देखना पड़ता है, उसके बाद इसमें मास्टरी आती है, बट कम से कम अब ये है कि आपने इसको सीखा और अब आगे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग चैनल के माध्यम से, ज्योतिष मंच के माध्यम से यहाँ पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपका जो बताएंगे आप उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि आइए ज्योतिष आकर के सीखिए, इसका प्रचार प्रसार हम सब मिलकर के करते हैं, और एक आप बोलेंगे उसमें फर्क होगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, हमारे देश विदेश में बैठे हुए सभी दोस्तों को, सभी भक्तों को क्या कहना चाहेंगे, जो मुहिम डॉक्टर H.S. रावत जी ने, गुरुदेव ने जो छेड़ी थी सन 2000 के अंदर, उसको आप आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करने वाले हैं, उसके लिए आप हमारे दोस्तों को बताएं। साथियों दोस्तों, जितने भी आप हमें देख रहे हैं, हमारे गुरु जी के चैनल को देख रहे हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि ज्योतिष एक बहुत ही गहरा विज्ञान है, और आप जो है इस ज्योतिष को सीखने से आपको ये फायदा होगा कि आप भ्रमित नहीं होंगे। आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो आप जाकर उनके सामने बैठेंगे, बात करेंगे, तो वो एकदम समझ जाएंगे ये जानकार है, तो आपको नबी तुली और सही बातें बताएगा, भ्रमित करने वाली वो आपको नहीं बता सकता। और अभी तो हमारी शुरुआत है, हम चाहेंगे और चाहते हैं दिल से कि हमें गुरुजी आखिरी छोर तक, हम इनको ना छोड़े और आखिरी छोर तक हमें ही ले जाएं। और साथियों आप भी अपने जीवन को, हर चीज की परेशानियों को समझने के लायक और देखने के लायक अगर चाहते हो कि छोटी मोटी परेशानियां कैसे सॉल्व होती हैं, ग्रहों का क्या असर होता है, तो मैं आपसे यही कहूंगा ज्योतिषियों के भ्रम में जाओगे वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे इस स्थान में आके एडमिशन लें और देखो क्या रोशनी मिलती है आपको। ठीक है रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे होनहार छात्र, देखिए दोस्तों ज्योतिष के अंदर ये ज्ञान तो बहुत एंडलेस है और बहुत ही पवित्र विज्ञान है, और इस ज्ञान को समझना भी बहुत नॉट ए इजी वर्क, बहुत शोध करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, और हर चीज को बहुत बारीकी के साथ समझना पड़ता है। जो इसको जितना अच्छे से समझ लेगा, जो इस पे जितना ज्यादा शोध कर लेगा, अभी तो मैंने यहाँ पर अपने दो छात्रों के साथ में इस मंच को साझा किया है, अभी तुम्हारे बहुत सैकड़ों छात्र हैं, मैं आपको भी निमंत्रित करता हूँ, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि आप आए, आकर के हमारे इस मंच से जो भी आपके व्यूज हैं वो दें, साथ में कुंडलियों के बारे में कुछ बताएं, ग्रहों के बारे में कुछ बताएं। दोस्तों अगर आप भी हमारे विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे सफल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी अपने भूत वर्तमान और भविष्य को देख सकूं, मैं भी आगे आने वाली परेशानियों से बच सकूं, मैं भी आगे आने वाली दिक्कतों से पहले ही प्रिकॉशन ले सकूं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देता है ये मेडिसिन खाओ तो आपकी ये बीमारी ठीक होगी, इसी प्रकार से दोस्तों एस्ट्रोलॉजी भी है। एस्ट्रोलॉजी एक वो ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी एक वो पवित्र ज्ञान है जिसको प्राप्त करना बहुत इजी वर्क तो नहीं है, बट प्रयत्न ना करना सबसे गलत काम होगा। क्या प्रयत्न ना करें तो मैं कहूंगा कि जो मुहिम हमने घर घर तक पहुंचाने की छेड़ी है ये हमारी विफल हो जाएगी। और दोस्तों इसको आपको विफल नहीं होने देना, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम भी ज्योतिष मंच है। इसलिए मैं आप सभी से बड़ी ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप आए, आकर के विद्यालय में एडमिशन लें,
ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करें, ज्योतिष को घर घर तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि नहीं, ज्योतिष एक ट्रू विज्ञान है, ज्योतिष एक प्रॉपर साइंस है, ज्योतिष बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, क्योंकि ग्रहों के प्रभाव से तो कोई भी नहीं बच सकता, ना भगवान राम बच सके। महाभारत जैसा इतना बड़ा युद्ध भी हुआ तो कहीं ना कहीं प्लैनेटों का प्रभाव रहता है। हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, हमारे बुरे ग्रहों की चाल होती है तो हम टेंशन में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, और जब वही प्लेनेट हमारे अच्छे शुरू हो जाते हैं तो हम बहुत अच्छा प्रसन्न महसूस करते हैं। आखिर इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आपने इस चीज को जान लिया, आपने इस चीज को पहचान लिया, तो कहीं ना कहीं आप भी, आपके जो विचार हैं, आपका जो सोचने का तरीका है, वो बहुत बदलेगा। आपको पता है कि ठीक है, पहले मैं एक ही बार में जाता था और काम करके आ जाता था, आज मुझे चार बार जाना पड़ता है, तो इसलिए जाना पड़ता है कि मेरे ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, मेरे ऊपर शनि का प्रकोप है, इसलिए मेरे काम अभी एक बार में नहीं बन पाते हैं। तो आपको पता है अगर ये चीज, तो कहीं ना कहीं आप अपने आपको समझाओगे, ठीक है अभी मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, तो मेरे डिसीजन भी गलत हो सकते हैं, बट मेरे को अपने गलत डिसीजन नहीं होने देने हैं, मेरे को शॉर्ट टेंपर नहीं होना है, मेरे को जल्दी से किसी से लड़ना नहीं है, मुझे झगड़ना नहीं है, क्योंकि ये प्रभु का बनाया हुआ बहुत ही सुंदर सेटअप है। इस सुंदर सेटअप को समझने के लिए तब तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी ये स्टूडेंट आते हैं, दूर दराज से आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि आखिर ये है क्या। और जब आपके मन में ये जिज्ञासा होगी जानने की कि आखिर ज्योतिष है क्या, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये ग्रह क्या होते हैं, ये राशियां क्या होती हैं, ये नक्षत्र क्या होते हैं, ये किस प्रकार से काम करते हैं, जब इन सब चीजों को जानने की आपके अंदर जिज्ञासा होगी और आप उस पथ पर चलना शुरू करेंगे, तो ही आप एक बहुत अच्छे सफल ज्योतिषी बन जाएंगे। ज्योतिषी तो दोस्तों वो भी है जिसने एक किताब पढ़ी है, ज्योतिषी तो वो भी है जिसने हस्तरेखा की एक पुस्तक पढ़ी और वो हाथ देकर के भविष्य बता रहा है, और ज्योतिषी वो भी है जिसने इसके अंदर रिसर्च करी है और 11 पुस्तकों का संपादन किया है। हमारे गुरुदेव डॉक्टर H.S. रावत जी ने 11 पुस्तकें ज्योतिष के अंदर लिखी है, जो कि बहुत इजी वर्क नहीं है। आज हम अगर आपके सामने बैठे हैं, आपकी सेवा करने के लिए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अपार ज्ञान हमें मिला है, ये गुरुदेव डॉक्टर H.S. रावत जी की कृपा से ही मिला है, उनके आशीर्वाद से ही मिला है, क्योंकि मैंने उनसे सीखा हर चीज को तर्क के साथ। मैंने उनसे सीखा कि अगर ये काम है तो इसके पीछे की थ्योरी ये है, ऐसे काम कर रही है, और उसी चीज को मैं आपको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों जो है मन के अंदर, अगर आप उसको निकाल देते हो, उसको सामने रख देते हो, तो मुझे लगता है कि आपका मन बहुत हल्का हो जाता है। आज जो मैंने ज्ञान सीखा है गुरुजी से, मैंने जो ज्योतिष की विद्या सीखी है, मैं आप लोगों को ज्योतिष सिखा करके उस सारा का सारा ज्ञान आपको ट्रांसलेट कर देना चाहता हूं, आपको परिवर्तित कर देना चाहता हूं, आप जैसे हुनर स्टूडेंट्स को तैयार कर देना चाहता हूं, ताकि आप लोग आगे जाएं और आगे जाकर के बोले कि मैंने ये ज्ञान गुरुदेव डॉक्टर H.S. रावत जी की संस्था महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय से सीखा है, और इसी को जब आप आगे जाकर के बढ़ाएंगे, आप जब आगे जाकर के विद्यार्थियों को तैयार करेंगे और ज्योतिष की शिक्षा को दूसरे लोगों को हस्तांतरित करेंगे, तो मेरा जो उद्देश्य है, जो गुरुदेव का उद्देश्य है, वो पूर्ण होगा दोस्तों। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो नया बैच हमारा फरवरी में शुरू होने वाला है, इस बैच को आप ज्वाइन करें, आकर के सीखें और अपने मानव जीवन को उज्जवल बनाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपका बहुत बहुत तहे दिल से अभिवादन करते हैं हम, कि आपने हमें इस लायक समझा और आपने भी ज्ञान दे के हमें जो है बोलने लायक बनाया है, कि हम जो है ज्योतिष के बारे में ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो लोगों को बता सकते हैं, और आपसे जो हमने शिक्षा ली है उसका हम जो जो आगे जाएंगे, जो जो उसका हम प्रसार प्रचार करेंगे, उसमें गुरुजी आपका भी हम नाम देंगे कि हमने कहां से सीखा है, और हम लोगों की परेशानियों को दूर करेंगे, उन्हें बताएंगे क्या ज्योतिष है और अपने जीवन में आप किस तरह खुद बे खुद जो है उन परेशानी को दूर कर सकते हैं। गुरु जी आपका कोटि कोटि नमन, आपको बहुत 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 शुभ आशीर्वाद आपको। मैं यही आप कुछ कहना चाहती हूँ? हाँ बोलिए। मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये ज्ञान सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मानवेंद्र सर जी खुद एडवोकेट हैं, डॉक्टर H.S. रावत खुद इंजीनियर हैं,
किसी के लिए भी ये ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए ये नहीं है कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा प्रोफेशनल हो गया तो वो ज्ञान नहीं सीख सकता, उनके लिए और भी बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होगा। इसलिए हम उन सभी लोगों को जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं या बहुत ही हायर पोजीशंस पे हैं, उन सबको भी हम आमंत्रित करते हैं कि वो भी आकर इस ज्ञान को सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। दोस्तों, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली है, उन्होंने एक बात पर प्रकाश डाला और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। उन्होंने बोला कि आप वेल क्वालिफाइड हैं तो आप जरूर सीखें, जरूरी नहीं कि एक नीचे का तबका अनक्वालिफाइड अशिक्षित वर्गी इसको ग्रहण करे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको पता है आप डॉक्टर होने के बाद आपने साइंस को पढ़ाया, आपने पूरी बॉडी को एनालिसिस किया है कि इस बॉडी के अंदर ये बीमारी इस सिम्टम की वजह से होती है और ये पार्ट इस वजह से प्रॉब्लम में आता है, अगर मन पीड़ित है, पागलपन होता है तो इस वजह से होता है। अगर आप जब उसको ज्योतिष के साथ रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ये दिख रहा है, आपको एज एन एस्ट्रोलॉजी भी नॉलेज है और आपको पता चल रहा है कि इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच का होकर के बैठा है, नीच हो गया है, इसका मन पीड़ित रहेगा, इसके मन में फियर फैक्टर रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको एज एन एस्ट्रोलॉजिकल भी पता चल रहा है, वो चीज दिखाई दे रही है कुंडली में, और एज एन डॉक्टर भी आप उसको देख रहे हो कि वो बोल रहा है मेरे को बड़ा फियर रहता है, अनसिक्योरिटी रहती है, डर रहता है, मुझे डिप्रेशन रहता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो ज्योतिष का ये जो ज्ञान है वो बहुत हेल्पफुल होगा। आपको समझ में आ रहा है कि डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ये टैबलेट दूंगा तो इससे इसको रिलीफ मिलेगा और साथ में एक चंद्रमा का नग मोती भी पहनाऊंगा तो इसका मन भी मजबूत होगा, तो आपको इससे चीजों को कोरिलेट करने में बहुत सहूलियत मिलेगी। दोस्तों, इसलिए जितने भी अच्छे अच्छे बड़े लोग हैं जो रिटायर हैं, जो अपना अभी रिटायरमेंट नौकरी से ले चुके हैं, अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनको आमंत्रित है, यहाँ बैठे हुए आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, बड़े बड़े जज, IAS, IPS, बड़े बड़े अधिकारी आकर के हमारे से ज्योतिष सीखते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या। दोस्तों, अभी आपको हमें इजाजत देनी होगी ज्योतिष मंच के कार्यक्रम को, अगले कार्यक्रम में हम आपके साथ नई जानकारी लेकर के फिर से उपस्थित करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।